वेलकम टू माई चैनल फिजिक्स विलेज। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म का। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, अगर दो आपके पास में पॉइंट चार्जेस हैं और पॉइंट चार्जेस अंडरलाइन पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दोनों चार्जेस का जो साइज होगा वो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसके रिस्पेक्ट में काफी छोटा होगा, राइट। तो इसको बोलेंगे पॉइंट चार्जेस, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग ने स्मॉल आर लिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वो क्या कहते हैं कि आपका जो फोर्स लगने वाला है इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइंड करते हैं तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है एफ इज इक्वल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू वन क्यू टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटता है रिमूव करता है तो कोई साइन का कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के होगा, लेकिन ये के वैल्यू तो अपनी एक कांस्टेंट रखेगा जिसकी वैल्यू होगी 9×10⁻¹, लेकिन ये डिपेंड करने वाला है मीडियम पर, इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में ये कैसे हमारा डिपेंड करेगा मीडियम पर। लेकिन यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी 1/4πε₀, एप्साइलन नॉट आपके लिए एक नया वर्ड होगा यहाँ पर हम लोग के पास में, जिसका नाम होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीन्स किसी को परमिट ये कर रहा होगा, इसकी बात हम जिस समय EFL की बात करेंगे तो वहां पर इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेंगे और समझ लेंगे उस जगह पर। ये हमारे पास में फॉर्मूला जो फाइनल आ जाता है वो आता है F इज इक्वल टू 1/4πε₀ Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये तो हमारे पास में न्यूमेरिक वैल्यू। अब अगर इसकी थोड़ी सी फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझा जाए तो ये फॉर्मूला रेंज की अगर बात की जाए तो आपके पास में कोई भी दो चार्जेस हैं वो दो चार्जेस स्टैटिक हैं, ऑलमोस्ट स्टैटिक मीन्स मोशन में ना हो, तो उनके लिए दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स एक मॉलिकुलर लेवल से लेकर के और कई किलोमीटर के बीच में भी ये लग सकता है, अप्लाई हो सकता है। तो इसकी और डिटेल हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन अब हम लोग देखते हैं यहां पर आपका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी को। वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई वेक्टर होता है, इफ ए इज अ वेक्टर, अगर उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं क्या वो हमारा यूनिट वेक्टर बन जाता है। सेम एप्लीकेशन हम लोग यहां अप्लाई करने वाले हैं। आपने बोला सर फोर्स क्या है, यूनिट किस में होगी, न्यूटन में, लेकिन फोर्स क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, माइंड इट। तो आपने यहां पे स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ, उसका नाम ही था हमारे टॉपिक ही हम लोग पढ़ रहे थे स्केलर फॉर्म। अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज अ वेक्टर फॉर्म, इट मींस ये स्केलर फॉर्म अब यहां पर क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे वेक्टर की, कौन सी, ए यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। तो यहां से हमारे पास में ए वेक्टर आ जाएगा मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, राइट। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एक बना लेते हैं कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास में चार्जेस प्लेस कहां पर होंगे। तो चार्जेस ले लेते हैं हम लोग, यहां पे एक चार्जेस है Q1, इस चार्जेस की पोजीशन कैसे देंगे वेक्टर फॉर्म में, एरो के थ्रू, इस एरो की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी R1। दूसरा चार्जेस ले लेते हैं Q2, इसकी पोजीशन भी हमारे पास में कितनी होगी R2, और हमें तो चाहिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, राइट। तो बीच के डिस्टेंस के लिए हम लोग यहां से देख लेते हैं Q1 से Q2 के बीच की डिस्टेंस। तो यहां कुछ एरो वाला याद आ रहा होगा आप लोगों को, वेक्टर का एडिशन लॉ। तो वेक्टर एडिशन लॉ के थ्रू अगर देखेंगे तो ये R1 हुआ और ये R2 है, इसको अगर हम लोग R ले लेते हैं,
ये सारे सारे वेक्टर होंगे, ये सारे के सारे वेक्टर होंगे। तो वेक्टर क्या कहता है? एडिशन लॉ। इसका वेक्टर मीन्स एक वेक्टर लीजिए, उसके टिप में दूसरा वेक्टर रखिए, जो इसका एडिशन होगा वो पहले वेक्टर की टेल लीजिए और दूसरे वेक्टर की टिप ले लीजिए, उसके इक्वल होगा। तो इसको न्यूमेरिकली लिख लेते हैं, कैसे होगा सर? R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो यहां से मुझे R वेक्टर चाहिए होगा, तो R वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, इस एप्लीकेशन का जो हम लोग ने बना के रखा हुआ था है ए वेक्टर। ए वेक्टर मेरे पास में यहाँ पे क्या है? फोर्स वेक्टर। मैग्नीट्यूड सर, मैग्नीट्यूड हम लोग ने निकाला हुआ है पहले से ही, कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R² राइट, R² दूसरा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसके लिए क्या होगा? यूनिट वेक्टर के लिए अलग से हम लोग निकाल लेंगे, यहां पर यूनिट वेक्टर किसका निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर का, क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स डिपेंड कर रहा है इस कांस्टेंट पे, ये Q1 Q2 पे और आर पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट होगा, ये तो वेक्टर कभी बन ही नहीं पाएगा। Q1 Q2 दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज, तो बचता कौन हमारे पास में? ये आर। आर यहाँ पे कहलाएगा पोजिशन वैक्टर, पोजिशन वैक्टर। R1 R2 पोजीशन वेक्टर्स ऑफ Q1 एंड Q2। तो यहां पर आपके पास में हम लोग इसको देख लेंगे R कैप से लिख लेंगे, और R कैप की वैल्यू होगी R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड R। तो इसकी वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू R वेक्टर डिवाइडेड बाय R, और ये पहले से जो R² था इसके साथ में जाकर के क्यूब बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया R वेक्टर डिवाइडेड बाय R³। इसको थोड़ा सा और इलेबरेट कर लेते हैं। Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू हमारे पास में R वेक्टर की हम लोग यहां से पुट कर लेते हैं, कितनी आ जाएगी? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये हमारे पास में मॉड ऑफ R2 माइनस R1 होल क्यूब। इट मींस अगर मुझे किसी का वेक्टर फॉर्म बनाना है तो आप उसको सबसे पहले बहुत बेसिक याद रखिएगा, उसको उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी में बन जाएगी जो स्केलर रही होगी पहले राइट। तो ये हमारे पास में इसको बोलेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, वेक्टर फॉर्म इज ए मोर इंपॉर्टेंट देन स्केलर फॉर्म राइट। और वेक्टर फॉर्म को हम लोग डायरेक्शन पूछेंगे फोर्स की, तो वहां पे डायरेक्शन के साथ में हमें बताना होगा, और डायरेक्शन को हम लोग कैसे बताएंगे? यहां पर अट्रैक्शन रिपल्सन के थ्रू, हम लोगों ने स्केलर फॉर्म में देख लिया है। अगर दो चार्जेस हमारे पास कैसे हैं? सेम सिमिलर चार्जेस हैं, नेचर उनका पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, कैसा होगा फोर्स उसमें? रिपल्सन। अगर दोनों के नेचर डिफरेंट है तो कैसा होगा? अट्रैक्शन राइट। तो ये कुछ हम लोग का डेरिवेशन था, बहुत फंडामेंटल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा EFL की बात करेंगे और इससे थोड़ा सा और इलेबरेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।